देवरिया ताल। हिमालयन श्रृंखलाओं, बुग्यालों और तालों से घिरे हुए उत्तराखंड राज्य की एक बेहद खूबसूरत ताल है, जो प्रसिद्ध है अपनी सुंदरता और यहाँ से दिखने वाले चौखंबा पर्वत के व्यू के लिए। महाभारत काल और पांडवों से जुड़े हुए गढ़वाल की खूबसूरत वादियों में बसे हुए इस ताल की खूबसूरती से आज हम आपको अवगत कराएंगे। उत्तराखंड के ऊखीमठ से 12 किलोमीटर दूर बेहद खूबसूरत सारी गांव से शुरू होने वाला ये ट्रैक सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी बन जाती है। और आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ एक ऐसे ही स्पिरिचुअल जर्नी पर। सचिन अब यहाँ स्किट मारने जा रहा है, और देखिए सामने वाले छोर से सचिन ने स्किट मारी और बच गया। घोड़े के क्या प्राइसेस हैं भैया? 600 ऊपर नीचे या वन साइड? आने जाना 1200 रुपये। तो ये है पूरा व्यू, देखिए देवरिया ताल का। इधर देवरिया ताल है और ये देखिए पीछे एक पर्वत श्रृंखला जा रही है पूरी, चौखंबा, केदारनाथ, पूरे पर्वत श्रृंखला है पीछे को। तो अभी हम लोग निकले हैं ऊखीमठ से और अब जा रहे हैं सारी विलेज, जो कि बेस कैंप है देवरिया ताल का, और वहाँ से 2 किलोमीटर के लगभग चढ़ाई है और फिर हम लोग पहुँच जाते हैं देवरिया ताल। तो दोस्तों, अगर आप लोग दिल्ली से यहाँ पर आ रहे हैं तो आपने सबसे पहले ऋषिकेश आना है, और ऋषिकेश आप लोग ट्रेन या फिर लोकल जो बस चलती है इंटरस्टेट उनसे भी आ सकते हैं, और वहाँ से आपने आना है ऊखीमठ, और ऊखीमठ से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है जिसमें आपको टैक्सी वगैरह मिल जाती है सारी विलेज के लिए। तो जो सारी विलेज है वो बेस कैंप है यहाँ। यहाँ से हमें सीधा जाते हैं तो चौपटा की तरफ जाते हैं और अंदर यू टर्न मारते हैं तो हम जाते हैं सारी विलेज, यानी देवरिया ताल का जो बेस कैंप है उस तरफ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सारी विलेज की तरफ। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं सारी विलेज, जो कि बेस कैंप है देवरिया ताल का। तो अब देखते हैं कि ट्रैक कहाँ से स्टार्ट होता है। बाकी ये सारी विलेज है पूरा। तो फिलहाल अभी हम लोग पहुंच गए हैं सारी गांव, जो कि देवरिया ताल का बेस कैंप है, और जस्ट उसी के वहां पर अभी हम लोग हैं। तो फिलहाल गाड़ी हमने अपनी लगा दी है और सारी विलेज पर ही, और इसके आसपास आप लोग देख सकते हैं होटल वगैरह बहुत सारे बने हुए हैं, तो रहने की आपको बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पर मिल जाती है। नीचे विलेज में भी होटल बने हुए हैं और ऑन रोड भी बना हुआ है। तो फिलहाल हम लोग पहुँच गए हैं देवरिया ताल के मेन गेट पे। इसके जस्ट सामने आप लोग देख सकते हैं होटल वगैरह से, यहाँ पर आप होटल वगैरह भी ले सकते हैं, रेस्टोरेंट है खाने पीने के लिए, हर चीज़ नीचे ही अवेलेबल है। और ये है मेन द्वार जहाँ पर हमारे सारे ट्रैकर चढ़ चुके हैं और फ़ोटो खिंचवाने पहले लग गए। तो अभी हम लोग मुश्किल से 200 मीटर चले हैं और आप लोगों को दिखा देता हूँ नीचे का व्यू कैसा आ रहा है रोड का। बहुत सुंदर सा व्यू है। तो पूरे रोड पे आपको दिख जाएंगी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, क्योंकि प्रॉपर पार्किंग का स्पेस है नहीं, तो रोड साइड में ही हमको गाड़ियाँ लगानी पड़ती है। तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसमें अगर आप लोग एंट्री करते हैं तो उस पर अगर आप स्टूडेंट हैं 12 से 18 साल के तो 50 रुपीज़ चार्ज है, एंड अगर मोर देन 18 ईयर है तो उसमें 100 रुपीज़ चार्ज है फॉर स्टूडेंट्स ओनली। और आप एडल्ट हैं तो उस पर जो चार्ज है यहाँ पर वो 200 रुपीज़ का है। सीनियर सिटीजन सेम 100 रुपीज़, एंड फॉर फॉरनर्स इट्स 800 रुपीज़। तो फिलहाल इस चढ़ाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे सिद्धेवा जी? बढ़िया है, बट मेंटेन्ड है, पत्थर से रास्ता बना रखा है, बट जंगलात वाले जो हैं ये पैसा लेते हैं। 200 रुपये इज़ वेरी एक्सपेंसिव यहाँ के हिसाब से, सेम एज इट इज़ तुंगनाथ में है, थोड़ा सा इनको कम करना चाहिए ताकि हर किसी के लिए थोड़ा अफोर्डेबल हो, या एटलीस्ट इतना ज़्यादा ना लगे कि बंदे को सोचना पड़े। दूसरी चीज़,
अभी तक की चढ़ाई से मुझे ये लगा है कि जितने भी अस्थमा पेशेंट प्लस हार्ट पेशेंट है वो यहाँ पर ना आए तो ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ना जैसी चढ़ाई स्टार्ट होती है स्ट्रिप चढ़ाई है एकदम ऊपर को सीधा, और पत्थर भी कहीं ना बहुत दूर दूर है, तो मतलब आपको नॉर्मल से ज़्यादा अपनी फोर्स लगानी पड़ रही है, तो उसके लिए बेटर यही है अवॉइड करें। तो अभी हम लगभग आधा किलोमीटर चले हैं और दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए कितना सुंदर यहाँ से व्यू आ रहा है। देखिए तो नीचे आप लोग देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल विलेज का व्यू है पूरा नीचे उस साइड तक, ये पूरा सारी विलेज है। तो इस पूरे रास्ते में आप लोगों को कैफ़े वगैरह आसानी से मिल जाएंगे, मतलब हर 500 मीटर 400 मीटर पे आप लोगों को कैफ़े वगैरह मिल जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं ओमकार रत्नेश्वर मंदिर में, जो कि नाग देवता को समर्पित मंदिर है और देवरिया ताल के ट्रैक के बीच में ही ये मंदिर पड़ता है, और यहाँ के लोगों की इस मंदिर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मान्यताएं हैं, तो आप लोग यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आने के लिए यानी कि चढ़ाई के लिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ आप लोग खच्चरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं आपको पर्सनली एडवाइस दूंगा कि ना ही करें तो वो ज़्यादा बेटर है। फिलहाल इन खच्चरों का इस्तेमाल जो हो रहा है वो हो रहा है सामान ढोने के लिए, वही इनका बेस्ट इस्तेमाल है। फिर जो विलेज लाइफ है ना यार, ये बहुत ज़्यादा टफ होने वाली है, देखिए कितनी टफ होती है, आपको जंगलों से लकड़ियाँ लेके आनी होती है, फिर आप लोग घर पर अपना काम करते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग लोग निकल जाते हैं काम करने के लिए। तो वहाँ पर वो टेंपल है, उस टेंपल पर ज़रूर दर्शन करके आए, और बहुत सुंदर टेंपल है वो भी, और जो व्यू है ना यार वो और भी ज़्यादा सुंदर है यहाँ का। तो जिन लोगों को कैंपिंग करनी है तो उनके लिए भी आगे बहुत कुछ है वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए पूरे ट्रैक को। तो अभी अंकल ने बताया कि यहाँ से मात्र 10 मिनट का रास्ता और रह गया है, पर लेकिन चढ़ाई ना यार ये अच्छी खासी है, थकाने वाली, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो कोई भाई बंधु अपना अगर कैंपिंग करना चाहता है या किसी को कैंपिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो देवरिया ताल से मुश्किल से 10 मिनट का नीचे का रास्ता है, यहाँ से रास्ता जा रहा है कैंप के लिए। तो आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं देवरिया जंगल कैंप, हिल पैतेस कैंप और हिमालयन कैंप और रेगी कैंप, तो 4-5 यहाँ पर कैंपिंग के बोर्ड लगे हुए हैं, तो वहाँ पर शायद कैंपिंग वगैरह होती है, जो ये रूट जा रहा है उस तरफ की तरफ जा रहा है, तो आप लोग कैंपिंग भी यहाँ कर सकते हैं। यहाँ से मात्र 10 मिनट का रास्ता रह गया है देवरिया ताल का। तो कैंप कैसे हैं, मतलब किस प्राइस रेंज के होते हैं, कुछ आइडिया? हाँ, पर नाइट का और फूड वगैरह उसके अलावा है? जो फूड वगैरह है उसके अलावा ना, नहीं वो डिनर और ब्रेकफास्ट उसमें इंक्लूड होता है। ओके, तो भैया ने अभी एक छोटी सी हेल्प हमारी करी है, कह रहे हैं कि 1000 या 1200 सीजन के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है, उसमें आपको खाने के लिए फूड अलाउंस भी मिल जाता है, डिनर प्लस ब्रेकफास्ट, तो आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, आप लोग यहाँ आ सकते हैं और यहाँ पर टेंट भी कैंप भी ले सकते हैं। आपके कैंप का नाम भैया? तो भैया के टुंगनाथ व्यू कैंप है, अच्छा भैया का नाम आनंद सिंह नेगी है और टुंगनाथ व्यू पॉइंट करके उनका कैंप है। एक बार अपना नंबर भी बता दीजिए भैया। 8650 हाँ जी 911350 ठीक है, और बाकी मैं स्क्रीन पे भी दे दूंगा। घोड़े के क्या प्राइस हैं भैया? 600 ऊपर नीचे या वन साइड आना जाना 1200 रुपये। तो जो घोड़े के प्राइजेज हैं वो हैं 1200 रुपीज़ ऊपर नीचे, और एक तरफ के हैं 600 रुपये। तो ये जो दुकानें हैं वो इस ट्रैक की सबसे लास्ट दुकानें हैं, इसके बाद जो है आपको देवरिया ताल मिलेगा डायरेक्ट,
और उससे पहले अब कोई दुकान नहीं है, ये लास्ट फाइनल दुकान है यहाँ पर। तो सामने आप बोर्ड देख सकते हैं, वो देवरिया ताल का ही बोर्ड लगा हुआ है। चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ से पूरा जैसे जंगल का इलाका होता है ना, वैसा शुरू हो चुका है। और आप देख सकते हैं यहाँ की खूबसूरती को। तो सचिन को फाइनली बर्फ दिख गई, सचिन को बर्फ दिख गई है। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं देवरिया ताल पे। और एक छोटी सी चीज़ जो बहुत अनएक्सपेक्टेड सी थी वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उससे पहले जो यहाँ का व्यू है वो दिखा देता हूँ। देखिए कितनी सुंदरता है यहाँ पर, पीछे देख सकते हैं आप। ये जंगल है, पूरा पेड़ है, जंगल और पेड़ों के बीच में। वो देखिए पीछे दिख रहे हैं चौखंबा पर्वत का व्यू। चौखंबा पर्वत पीछे मेरे, और इसके जस्ट पीछे देखिए पूरे यहाँ पर बर्फ गिरी है थोड़ा सा। ये देखिए बर्फ तो यहाँ जमी हुई है लेकिन बर्फ़ पड़ी है। देखिए इसका मतलब यहाँ अच्छी खासी ठंड हुई होगी। आगे भी उस तरफ भी बर्फ़ है। तो आप लोग देख सकते हैं व्यू यहाँ का, बहुत ब्यूटीफुल जगह है। तो दोस्तों आप लोग जहाँ पर से जंगलात का एरिया शुरू होता है वहाँ से आगे टेंट वगैरह बिल्कुल नहीं लगा सकते, उससे पहले ही जो है वो टेंट लगते हैं। और अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ बहुत सुंदर से व्यू मंदाकिनी पर्वत के, चौखंबा पर्वत के, सतोपत के, और यहाँ से केदारनाथ का जो पीक है वो भी दिखता है। और आप लोग देख सकते हैं टुंगनाथ और चंद्रशिला के जो पीक हैं वो भी यहाँ से दिखते हैं। इन शॉर्ट आप लोगों को यहाँ पर सबसे वाइड हिमालयन रेंज देखने को मिलने वाली है। एंट्री गेट यहाँ से अभी हमने एंट्री ली थी, और जो एंट्री टिकट से प्राइजेज हैं वो मैंने आपको बताए थे। और यहाँ पर ये है, और ये है जहाँ पर टिकट वगैरह ली जाती है। और यहाँ से टिकट लेने के बाद आप लोग आगे ताल की तरफ जा सकते हैं। यहाँ का एटमोसफियर है ना यार, वो ना बहुत ही सुंदर है। तो मतलब इतना ज़्यादा मज़ा यहाँ पर आ रहा है ना मुझे आके, तो बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं एकदम ग्रीन कलर की ये प्यारी सी लेक, बहुत ही सुंदर लग रही है झील। आप लोग देख सकते हैं सुंदरता, यहाँ पर बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अभी मैं फ़िलहाल लेक के किनारे किनारे जा रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा डिटेल में से देख सकें कि कितनी ब्यूटीफुल इसका व्यू है, कितनी सुंदर ये लग रही है। तो आप लोगों को मुझे पता है कि पसंद ज़रूर आ रहा होगा ये व्लॉग, क्योंकि मैं अपनी तरफ से ना पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल दिखा सकूँ। क्योंकि कई जगह पे क्या होता है ऊपर से कुछ कम इन्फॉर्मेशन के साथ दिखाते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन कहीं कम रह गई है तो उसको मैं पूरा कर पाऊँ। तो आप लोग देख रहे हैं कितना अच्छा व्यू लग रहा है। तो पीछे हरे पेड़ भी है, और थोड़ा जो कहते हैं रेडिश कलर के तो वैसे पेड़ भी दिख रहे हैं मुझे। तो मतलब खूबसूरती जो है ना जंगल की वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, और बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर मज़ा आ रहा है मुझे। तो देवरिया ताल में लोग यहाँ की खूबसूरती देखने तो आते ही हैं, पर यहाँ से जुड़ी हुई कुछ पुरानी कथाएं भी हैं जो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इन्हीं में से एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि देवरिया ताल का नाम पहले इंद्र सरोवर था, क्योंकि यहाँ इंद्र आदि देवता स्नान करने आते थे, जिसकी वजह से इसका नाम देवरिया ताल पड़ गया। एक अन्य कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब पांडव अपना वनवास काल पूरा कर रहे थे तो इसी जगह से निकले थे, और जब पांडवों को प्यास लगी तो उन्होंने एक एक करके इस ताल का पानी पिया, और यह पानी उन्होंने यक्ष जी की इजाजत के बगैर पिया। कहा जाता है कि इसी वजह से यक्ष जी ने उन चारों भाइयों को मूर्छित कर दिया, और अंत में युधिष्ठिर जी ने यक्ष जी के सभी सवालों के जवाब देकर अपने भाइयों को जीवित किया। अगर आप लोग चौखंबा पर्वत का व्यू और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं तो आप लोग देवरिया ताल से 150 मीटर आगे जा सकते हैं, जहाँ पर एक व्यू पॉइंट बनाया गया है जहाँ से पूरी पर्वत श्रृंखला बहुत ही ज़्यादा साफ दिखाई देती है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों क्योंकि ये देवताओं की ताल कही जाती है, इसलिए इस ताल की परिक्रमा करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके पूरे ताल के जो आउटर एरिया पे है वहाँ पर एक ट्रैक बनाया गया है जिस पे आप लोग परिक्रमा कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं भी उसी ट्रैक से जा रहा हूँ और परिक्रमा कंप्लीट कर रहा हूँ देवरिया ताल की। तो आप लोग यहाँ आए तो आप लोग भी परिक्रमा करना बिल्कुल ना भूलें।
बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे व्यू हैं ये। जंगल है और इस तरफ आपका सनलाइट आ रही है सामने से, और ये राइट साइड में है देवरिया ताल। कर लिया अपनी ताल का चक्कर हमने कंप्लीट, और चक्कर कंप्लीट करते ही अब हम लोग निकल जाएंगे नीचे की ओर, क्योंकि अब हमें प्लान करना है एक और नया ट्रैक और लेके आना है आपके लिए एक नया ट्रैक। तो दोस्तों देखिए, जैसे मैंने बताया था कि इस ट्रैक पे पोनी और खच्चर भी चलते हैं, पर सोचने वाला विषय ये है कि क्या सही में हम जैसे लोगों को इनकी ज़रूरत है, क्योंकि देखिए ये युवा है, और अगर युवा ऐसा कर रहा है तो फिर ये सोचने का विषय है। तो हम लगभग नीचे उतर चुके हैं और सामने आप देखिए पेड़ में लगे हुए हैं माल्टा, और बहुत टेस्टी माल्टा है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि यहाँ पर आप लोग कहाँ रुक सकते हैं, कहाँ पर आपको खाने पीने की व्यवस्था मिल जाती है, और कैसे हमारा ये पूरा ट्रैक करना है। अगर फिर भी कोई क्वेरी किसी की रह जाती है तो मुझे कमेंट में लिख सकता है, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्यारा सा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर हमारी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से जाके लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। दुनिया में आए हैं तो झूमते रहिए, और वीकेंड पे घूमते रहिए। जय माता दी।